मैं स्टूडेंट से एक ही बात करूंगी कि बेटे अपने वक्त का जो इस्तेमाल है वो मुस्बत जगह पे लगाया जाए, अपनी सोच मुस्बत रखें। और सो पंजाब आज आपको दिखा रही है आरीवाला के अंदर अलाइड स्कूल के ज़ेरे तमाम चलने वाला फिटनेस प्रोग्राम। इनके जो चीफ गेस्ट हैं मोहतरम जनाब नासर हमीद साहब, चेयरमैन मार्केट कमेटी आरीवाला हैं, इनसे जानते हैं कि आज ये चीफ गेस्ट हैं, इनका क्या नज़रिया है इस जो फेस्टिवल हो रहा है इस हवाले से, ये क्या समझते हैं कि आवाम के लिए क्या पैगाम है, बच्चों के लिए इसकी फ़िटनेस के हवाले से इनका क्या नुकता है नज़र है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मोहतरम कैसे हैं जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत शुक्रिया आपने टीम वॉइस ऑफ पंजाब को ज्वाइन किया। आज आप फिटनेस प्रोग्राम के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, चीफ गेस्ट हैं इनके माशाल्लाह, तो कैसा प्रोग्राम हो रहा है, बच्चों की फ़िटनेस के हवाले से क्या राय है? जी ये अलाइड स्कूल आरीवाला का स्पोर्ट्स गाला का प्रोग्राम जो इन्होंने हर साल होता है इनका, ये नाइन्थ बता रहे हैं, ये नाइन्थ स्पोर्ट्स गाला है, तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है ख़ासतौर पर उन बच्चों के लिए जिनको ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये आरीवाला के लिए ये बहुत बड़ा अच्छा बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिन वो सिर्फ कोठियों में या घरों में रहते हैं तो बच्चों को ये एक्टिविटी मैसर नहीं होती, तो मैं समझता हूँ ये अलाइड स्कूल वालों का बहुत अच्छा स्टेप है, ख़ासतौर पर इसमें गुलाम अहमद राना साहब की बहुत काविश है, तो जिन्होंने ये फेस्टिवल अरेंज किया, तो मैं पेरेंट्स से और रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह के इवेंट्स में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करने की के मौके फराहम करें, ताकि बच्चे जो है अपनी एक्टिविटी ज़हनी और जिस्मानी नशोनमा के लिए ये बहुत ज़रूरी है, तो इनको अप्रिशिएट करना चाहिए हमें अलाइड स्कूल वालों को, गुलाम अहमद राना साहब की जो काविश है बच्चों के स्पोर्ट्स गाला के हवाले से, तो ये हमारे आरीवाला के लिए बहुत बड़ी फैसिलिटी और नेमत है, मैं कहता हूँ, मैं इसको समझता हूँ ये आरीवाला के लिए बहुत बड़ा एक अच्छा प्रोग्राम है, मतलब इसको ऐसे जारी रहना चाहिए, बाकी स्कूलों को वालों को भी चाहिए कि इसी तरह के जो प्रोग्राम है वो जारी रखने चाहिए हमें। मोहतरम हमारी मुल्क कौम के नाम बच्चों के नाम एजुकेशन के वाले से और स्पोर्ट्स के वाले से कोई पैगाम देंगे आप? ये हमारे इस तरह के जो हमारे अच्छे अदारे हैं, मतलब इनमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा असाज़ा को भी चाहिए, मतलब मौके फराहम करने चाहिए खेल के हवाले से, अच्छी तलीम के हवाले से, तो ज़्यादा से ज़्यादा ताकि यही बच्चे जो हमारे आज के जो बच्चे कल के मुस्तकबिल के मेहमान हैं, इन्होंने पाकिस्तान को संभालना है, अगर इनकी सेहत और तलीम अच्छी होगी तो ये मुल्क के लिए अच्छा कर सकेंगे। Thank you.
आज आपके जेरे एहतमाम इतना बड़ा इवेंट हो रहा है आरीवाला के तरीके अंदर, ये शायद पहला इवेंट है, हमने तो नहीं देखा इससे पहले स्कूलों और कॉलेजों के, आप क्या कहेंगे ये इवेंट कैसा है और इसके क्या फ़ायदे हैं? सर, आरीवाला की हिस्ट्री में ये वाकई आपने ऐसा इवेंट नहीं देखा, इतना ब्यूटीफुल और एनर्जेटिक जो आपके सामने इवेंट हमने रिप्रेजेंट किया है, बिकॉज वी आर एलाइड फैमिली एंड एलाइड टीम। ये एक इतना हेल्दी और एनर्जेटिक इवेंट है कि आई थिंक इससे एक वे मिल जाएगा सबको, और ये जो इवेंट है इससे स्टूडेंट्स के अंदर एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, बिकॉज हमारा जो मैसेज है वो यही है, हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड, और हम इस चीज़ को इंशाल्लाह डे बाय डे प्रमोट करेंगे, और इंशाल्लाह हम ये पहले 2019 में कंडक्ट किया था, आफ्टर थ्री इयर्स वी आर कंडक्टिंग इन दिस इवेंट 2023, एंड आई एम होपफुल के वी विल बी कंटिन्यू दिस इवेंट एवरी ईयर। और ये इतना एनर्जेटिक है कि स्टूडेंट जो एक हेक्टिक रूटीन क्लासरूम के अंदर बंद था वो बाहर आया है, और इसको एक हमने फन लर्निंग हर एक वे से हमने इसको कवर करने की कोशिश की है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हर स्कूल को इसको प्रमोट करना चाहिए, बिकॉज स्टूडेंट हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। किसी जगह पे भी आरावाला की सतह पर, आरावाला की सरजमीन पर मैंने ऐसा बड़ा इवेंट ख़ास तौर पर जो किसी प्ले ग्राउंड में मरतब किया गया वो नहीं देखा। तो मैं स्कूल अलाइड स्कूल की इंतज़ामिया ख़ास तौर पे जो राणा आमद साहब हैं उनको इस बात पे अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं बतौर रिपोर्टर MSc स्पोर्ट्स साइंस की डिग्री भी रखता हूँ, तो अगर हमने अपने हॉस्पिटल्स को वीरान करना है तो ये बात लाजम मलजूम है कि हम अपने जो प्ले ग्राउंड्स हैं उनको आबाद करेंगे तो हमारे अस्पताल वीरान होंगे।